ये कोई इत्तफाक है या कोई साजिश? चीन से एक वायरस निकला जिसने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया। अब एक एप्लीकेशन निकला है जो पूरी दुनिया को तबाह करने की ओर अग्रसर है। जी हाँ, आज हम जूम ऐप के बारे में बात कर रहे हैं। मैं विजय दीक्षित अनंत यात्रा में आपका स्वागत करता हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि आप अनंत यात्रा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि इस तरह के हर वीडियो सबसे पहले आपको मिलते रहे। आज हम जूम ऐप के बारे में बात कर रहे हैं। जूम ऐप एक फ्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन है जिसमें एक साथ 100 लोग जुड़ सकते हैं और वो भी 40 मिनट तक बिना रुके अपनी कॉन्फ्रेंस को पूरा कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन की एक और खासियत है कि ये iOS और गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि ये जूम ऐप कितना सुरक्षित है। इसके बारे में ब्लीपिंग कंप्यूटर की एक रिपोर्ट है कि पिछले महीने इसके 5 लाख से ज्यादा यूजर्स का डेटा डार्क वेब को बेचा गया है। इसी तरह साइबर सिक्योरिटी इंटेलिजेंस फर्म साइबर की एक रिपोर्ट के अनुसार 1 अप्रैल को 5,30,000 यूजर्स जो कि जूम ऐप के अकाउंट के हैं उनका डेटा बेचा गया है, वो भी टके के भाव में। जी हाँ, $0.002 में एक एक व्यक्ति की जानकारी बेची गई है, अर्थात 15 से 20 पैसे में। इसमें आपको किस तरह से नुकसान हो सकता है? दरअसल जूम ऐप के जो अकाउंट होल्डर्स हैं उनका ईमेल, पासवर्ड, उनका URL और उन्होंने जो मीटिंग करी है, मीटिंग का एजेंडा और मीटिंग की पूरी कार्रवाई, ये सभी चीज़ें लीक होती हैं। साथ में आपके मोबाइल में जो डेटा है वो भी लीक होएगा और जो ईमेल के ऊपर आपकी इम्पोर्टेंट जानकारियां रखी हुई हैं वो भी लीक हो जाएंगी। अब आपको ये लग रहा होगा कि इन सब के लीक होने से क्या नुकसान होगा। दरअसल आपको याद दिला दें कि आपका ईमेल एड्रेस आपके आधार कार्ड में भी रजिस्टर्ड है, बैंकों में भी रजिस्टर्ड है और मोबाइल पर भी रजिस्टर्ड है। आगे बढ़ते हैं। इस ऐप के जो डेटा लीक हुए हैं उसमें से 290 अकाउंट ऐसे हैं जो बड़े यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस से रिलेटेड हैं, जिसमें कि फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के भी डेटा शामिल हैं, उनके अकाउंट होल्डर भी इसमें जुड़े हुए हैं। इसके बारे में इनके CEO जो कि एरिक युआन, उनका कहना है, युआन साहब कहते हैं कि हमने इसकी सिक्योरिटी के पूरे मापदंड परख लिए हैं और इसको बहुत ही अच्छा बना दिया है। पिछले एक माह में हमने हजारों वेबसाइट को इसमें से हटाया है, ऐसा उनका कहना है। अब इस जूम ऐप का स्वैग देखिए, कितने लोग इसको यूज कर रहे हैं। हमारे देश के रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह, उन्होंने जूम ऐप के द्वारा 1 अप्रैल को एक मीटिंग करी जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस जनरल बिपिन रावत, नेवी और एयरफोर्स, इनके साथ में उनकी मीटिंग हुई इसी वेब के द्वारा। इतना ही नहीं, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ये लगातार जूम ऐप के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं अपने अधिकारियों के साथ में। और आपको बता दें, BBC में एक रिपोर्ट आई है, उसके अकॉर्डिंग लंदन में वहां के मंत्रिमंडलों के बीच में एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई जो जूम ऐप के थ्रू हुई और उसके बाद जैसे ही मीटिंग समाप्त हुई 5 मिनट बाद पूरी की पूरी मीटिंग का एजेंडा और पूरी मीटिंग इंटरनेट पर देखी गई। उसको उनको आगाह किया गया है कि ये बहुत ही खतरनाक है। आगे बढ़ते हैं, आपके लिए कितना हानिकारक है, किस किस ने रोका है
इसके बारे में जानें। भारत में साइबर सिक्योरिटी की नोडल एजेंसी है CIRTN, इसने मना किया है कि इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड नहीं करिए। इसके आगे गूगल, नासा, स्पेस एक्ट, एप्पल, इन सभी ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना या उसके थ्रू बातचीत करना या वीडियो कॉलिंग करना, इन सब के बारे में मनाही की है अपने कर्मचारियों को। हालांकि आपको बता दें कि जब से लॉकडाउन हुआ है, वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आ गया है, साथ में लोग अपने घर परिवार, मित्रों, इन सभी से जोड़ने के लिए कॉन्फ्रेंसिंग का सहारा लेते हैं, तो पिछले एक महीने में सबसे ज्यादा बार डाउनलोड किया गया कोई ऐप है तो वो जूम ऐप है। रिपोर्ट की बात माने तो गूगल वर्ल्ड एक्सेस के थ्रू इसको 100 मिलियंस टाइम डाउनलोड किया गया, जिसमें सबसे ज्यादा इंडिया में डाउनलोड किया गया है। अब अगर आपने इसको डाउनलोड कर ही लिया है या इसको आप यूज करना ही चाहते हैं तो आपके लिए सुझाव, पहली बात क्या आप इसको यूज नहीं करिए, लेकिन फिर भी अगर यूज करना पड़ता है तो आप सबसे इंपॉर्टेंट कि नोटिफिकेशन और अलाउड को बहुत ध्यानपूर्वक आगे बढ़ाएं, उसके ऊपर आप नजर रखिए। फिर अपने जो पासवर्ड बनाया हुआ है, एक्सेस पासवर्ड, उसको इतना जटिल बनाइए, इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए कि कोई जल्दी वहां तक नहीं पहुंच पाए। एक और बात, किसी भी अननोन लिंक को ओपन नहीं करिए। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी जानकारी या आपका अकाउंट लीक हो गया है या हैक हो गया है, तो आप आपके पास है कि आप साइबर की AMI ब्रीच सर्विस पर जाकर के चेक कर सकते हैं कि आपके साथ कोई धोखाधड़ी तो नहीं हुई या आपका अकाउंट हैक तो नहीं हुआ है, तो इस तरह से आप बच सकते हैं। मित्रों, समय है अपने बचाव का, चाहे वो कोरोना वायरस हो या फिर जूम ऐप, बचाव सावधानी से आएगा। तो आप घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, और मैं आपसे आग्रह करूंगा, यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हाँ, अनंत यात्रा चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।